टू रीजन बेटा, और आप जैसे कह रहे थे एक साइन कन्वेंशन बेटे मिरर की लेंसेज की कह रहे हो, दोनों की साइन कन्वेंशन बेटा, और बेटे देख लीजिए किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो मैं रिवाइज करवा दूं सारे सिलेबस में से, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रेक्शन हो, एनीथिंग यू वांट टू गेट। हाँ जी बेटे बोलिए, एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट बेटा थ्रू आउट द सिलेबस। चेंज लॉ करवा दो एक बार। स्नेल्स लॉ बेटा, ओके यस बेटे, सर। स्नेल्स लॉ। एंड डियर चिल्ड्रन एनी अदर पॉइंट आफ्टर स्नेल्स लॉ? यस बेटा। हाँ जी, ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन कैसे होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। हाँ जी बेटे, प्रिज्म वाला करना है? नहीं बेटे। एनी अदर पॉइंट? ओके बेटा, लेट अस बिगिन विद द दीज टॉपिक्स वन बाय वन एज पर योर रिक्वायरमेंट बेटा। साइन कन्वेंशंस की बात करें अगर हम बेटा, हमारे पास बेटे मिरर्स और लेंसेज दोनों के लिए जो साइन कन्वेंशंस हैं ये आपको अवेलेबल करवाई गई हैं, और साइन कन्वेंशंस हमारे लिए बेटे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं व्हेन वी आर टू सॉल्व फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड द अदरवाइज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द मिरर लेंस फॉर्मूला एंड बेसिकली मैग्निफिकेशन आल्सो। मिरर्स में बेटे सबसे पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंसेस हैं बेटे आप पोल ऑफ द मिरर जो है वहां से उनको मेजर करना स्टार्ट करते हो। सेकेंडली बेटा द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव बेटा, और जो डिस्टेंसेस बेटे इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द लाइट है द डिस्टेंसेस इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द लाइट आर टेकन एज बेटे नेगेटिव। सो जो लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस हैं उनको सबको हम बेटा पॉजिटिव लेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं दीज विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। चौथी बात है बेटे हमारे पास डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड दीज आर टेकन एज पॉजिटिव। द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड्स दीज आर टेकन एज पॉजिटिव। एंड फिफ्थ वन इज बेटे द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाउनवर्ड्स दीज आर टेकन एज बेटा नेगेटिव। तो ये पांच साइन कन्वेंशंस हैं बेटा जिनको हमने यूटिलाइज करके अपने डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे मे बी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो या अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करना है। वंस अगेन अगर हम बेटे डिस्टेंसेस की बात करें, इनको आपने पोल से मेजरमेंट करना स्टार्ट करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट विल बी द पोल। और दूसरी बात, जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है उस डायरेक्शन में है दीज ऑल विल बी टेकन एज पॉजिटिव।
और जो डिस्टेंसेज उसकी अपोजिट है उनको आप नेगेटिव लेते हो, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो अपवर्ड डिस्टेंसेज हैं दीज आर पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डिस्टेंसेज हैं दीज आर टेकन एज बेटा नेगेटिव। अब साथ ही साथ बेटे मैं लेंसेज के साथ रिलेटेड जो है साइन कन्वेंशंस इनकी भी बात करूंगा। लेट अस स्टडी दोज आल्सो, फिर हम आगे चलते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट बेटा। लेंसेज में हमारी क्या क्या साइन कन्वेंशंस हैं, लेट अस बेटे कंसेंट्रेट अपॉन दीज बेटा। लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशंस क्या है, सबसे पहला है All the distances are measured from optical center of the lens बेटे। आपका जो लेंस है इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है यहां से बेटे आपने जो डिस्टेंसेज हैं इनका मेजरमेंट करना स्टार्ट करना है। All the distances are measured from the optical center. Yes, with any doubt? Secondly, the distances in a direction in the direction of light, these are taken as positive, and the distances in a direction opposite to the incident light, these are taken as negative. Fourth point hai, the distances perpendicular to the principal axis and upwards, these are positive, and the distances perpendicular to the principal axis and downwards, these are treated as negative. तो ये वाले पॉइंट्स आपके मिरर्स में जो हमने लिखे थे ऑलमोस्ट वही है, इनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। सो बेटा दीज आर द साइन कन्वेंशंस विच वी यूज इन द केस ऑफ द मिरर्स एज वेल एज इन द केस ऑफ द लेंसेज। कैसे कैसे? हाँ दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशंस ओनली बेटा। जब आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो ना तो वो अपने आप ही पता चल जाता है कि किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है किसकी पॉजिटिव है एंड ऑल राइट। देन आइए बेटे स्नेल्स लॉ, जैसे किसी बच्चे ने पूछा था उसको भी कंप्लीट करें। स्नेल्स लॉ क्या है और हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दिस स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, एक आप शार्प बाउंड्री इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई बाउंड्री है और ये आपने इसका कोई नाम रख दिया एक्स वाई। ये एयर को और वाटर को बेटा इमेजिन कर लो सेपरेट कर रही है, और ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड हेयर लाइज यूर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटा। ये बेटे आपका रे ऑफ लाइट एयर से पानी में आ रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम आ रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट इट टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और वी कैन से दैट बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे इसको, राइट बेटे। This is equal to beta sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction. Again, बेटे मैं वही बात कहूंगा,
refractive index of the transparent medium into which the ray of light is entering from air that is equal to the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट इज बिटवीन साइन आई अपॉन साइन आर, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा, राइट बेटे? ये आपका स्नेल्स लॉ है और इसको आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास एंगल आई और एंगल आर का मेजरमेंट अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको म्यू मिल जाएगा. स्नेल्स लॉ के साथ बेटे इन एडिशन मैं एक दो और इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे करनी चाहूंगा. आपने ऑलरेडी कल भी हमने किया था कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी होता है, और हमने ये भी किया था म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश भी होता है, और हमारा म्यू वन अपॉन साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल भी होता है, ये भी हमने बात की हुई है. और आपका जो म्यू है बेटा इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन कर लो, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन बी लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश वन अपॉन साइन सी, और एक ये तो है ही है. तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप आप जब कोलैबोरेट कर लेते हो, इकट्ठे कर लेते हो, तो आपको काफी ज्यादा बेटे स्मॉल वेरी स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस में काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल जाती है बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, भूमिका भूमिका बेटा इज इट क्लियर? भूमिका इज नॉट सीन, ओके बेटा. इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब का. आइए एक बार इसको भी डिस्कस कर लें, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब जो है ये क्या चीज है और हम कैसे इसको बच्चों डिस्कस कर सकते हैं. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस. हाँ जी बेटे, आप बोलना क्या चाहते हैं? वैसे कोई है प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई और बात देख लो, अगर है तो बता दो, टाइम हमारे पास काफी है, मैं करवा देता हूँ बेटे. अरे बच्चे मेरा मतलब है कोई आपका डाउट ना रह जाए, पेपर आ रहे हैं पेपर, आप बात नहीं समझ रहे आप मेरी. हाँ जी, अब बेटे देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं. इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब बेटे आपको दी गई है. तो बिकॉज ग्लास स्लैब है तो दिस होल सेक्शन विल बी ऑफ प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लास ओनली. लेट मी रीड्रॉ दिस बेटा, ये थोड़ा सा इसकी डायमेंशन अकॉर्डिंगली नहीं बनी जितनी जरूरत चाहिए हमें. ये हमने बेटे इमेजिन किया एक ग्लास स्लैब है, और आप ग्लास स्लैब का कुछ नाम रख सकती हो ए बी सी एंड डी, और आपने ये एक रे ऑफ लाइट बेटे इंसिडेंट किया इस फेस से. अगर बेटे देखिए अब इसको रे ऑफ लाइट को आगे ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि ऑप्टिकली डेंसर है वो मिल रहा है. अगर ये ना होता ग्लास स्लैब तो ये जो रे ऑफ लाइट है इसने बेटे विदाउट एनी चेंज इन द पाथ इस तरीके से इसने चले जाना था, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज मीडियम बदल रहा है, इसको अपने पाथ में चेंज करना पड़ेगा. तो आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए बेटा. ये आपका जो इंसिडेंट रे है जब ये रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर कर रहा है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आ जाएगा. ये नॉर्मल की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़नी थी, तो वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल ओवर हियर एंड ये आपका एंगल बराबर हो जाएंगे. आई है, आर है, आर के बराबर ही रहेगा, और यहाँ से जो रे है ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, और वी एक्सपेक्ट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा, और ये एंगल आपका एंगल आर कहलाएगा, सॉरी एंगल आर नहीं एंगल ई कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस. आइए थोड़ी एंगल्स के बारे में जान पहचान कर लें. दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और आर आपका जो है दिस इज विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई जो है ये वाला इट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल. तो ये हाँ जी ये एंगल बेटे इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिकॉज ये अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल्स हैं, इसका मेजर एंगल आर के बराबर ही रहेगा. आप ये दो लाइन समझ लीजिए ना, पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है बीच में से, तो ये इनका न्यूमेरिकल वैल्यू एंगल्स का मेजरमेंट सेम रहेगा. दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस एज इट इज आर. चले आगे. अब ये आपका इमर्जेंट रे है, ये वाला इमर्जेंट रे, और ये आपका इंसिडेंट रे. अगर पाथ ना बदलता तो इधर चला जाना था. ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका इंसिडेंट रे. आपका इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसको बोल देते हैं बेटे आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट. एक टर्म बहुत यूज होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये वाले को आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे. सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस हो गया है. राइट बेटा, ये वाले पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ओ बोल दूं, ये वाले पॉइंट को ओ डैश बोल दूं. आइए जरा समझिए, एट पॉइंट ओ स्नेल्स लॉ अगर मैं लगा दूं, भूमिका लगवाओगे ओ पॉइंट पे स्नेल्स लॉ? ओ पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या बेटे हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा भूमिका? यस सर. ओ पॉइंट पे बेटे स्नेल्स लॉ लगवाओगे आप? राघव, साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट? किसका म्यू? ग्लास लेयर का. तो यू कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिस इज साइन आई एंड साइन आर. राइट, ओ डैश पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगा दें, इट वाज एट ओ, ओ डैश पॉइंट पे लगा दें तो इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. साइन ऑफ एंगल आई कितना है? आर. एंड साइन ऑफ एंगल इमर्जेंस कितना है? आर. कितना है? ई. ये हो गया. आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ये बात हमें पता है. कहां से पता लगी हमें ये? फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट किया था ना हमने. आप ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो दोनों की. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है? साइन आई बाई साइन आर. और इसका कितना है? वन बाई साइन आर बाई साइन ई. और आप इसको थोड़ा सा
मॉडिफाई कर लो रिलेशनशिप को, इट इज साइन आई बाई साइन आर, इट इज साइन ई बाई साइन आर, चेक करिएगा ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं बेटा। साइन आर से साइन आर कट जाएगा एंड इट इज ऑब्वियस दैट साइन ऑफ एंगल आई जो है इट इज साइन ऑफ एंगल ई। अगर साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल ई के बराबर है इसका मतलब है एंगल आई एंड एंगल ई आर इक्वल, इट विल मीन दैट कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दोनों एंगल्स का बराबर हो जाना इंडिकेट कर देता है कि आपका इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट बेटा। सो इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे दीज आर पैरेलल टू ईच अदर बेटे, राइट जी बेटा। क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को बेटे? तो बेटे जो आपके डाउट्स है वो तो सारे मैंने करवा दिए हैं। हाँ हाँ, साइन आई 45 लिया आपने तो आर तो छोटा बनेगा ना, आर तो 45 नहीं होगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 ले रहे हो तो आर तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होगा बिकॉज इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। अगर एंगल आई आपका 45 है ई जरूर 45 होगा, ठीक है जी। जब आप ये एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे हो सकता है कि एक आधी डिग्री का आपके मेजरमेंट में फर्क पड़ जाए, कई बार हमें ड्रॉ करने में कोई आ जाती है बात पॉइंट हो जाता है डिस्टर्ब, तो अदरवाइज ये दोनों बराबर ही होते हैं, राइट। कोई और बेटे बात हो किसी भी स्टूडेंट की, क्रिटिकल एंगल भी देख लीजिए क्या होता है। आइए देखें, एक अगेन आप बाउंड्री इमेजिन कर लीजिएगा और लेट अस इमेजिन दैट वी हैव दिस बाउंड्री एक्स वाई, हमने बाउंड्री का नाम रखा, ये एयर को और वाटर को सेपरेट कर रही है, मान लीजिए ऐसा है। पानी के अंदर आपने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है एट पॉइंट ओ, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहां से जो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस आकर स्ट्राइक किया है, इट विल गो अनडिविएटेड बिकॉज ऑफ द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। देन एक रे यहां से आपका इधर आ गया, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल बन गया, ये डेंसर टू द रेयर मीडियम जा रहा है, वी एक्सपेक्ट टू बेंड इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल आई और आर आपके पास है। इसके बाद आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहां पे आपकी रे पहुंच गई है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर आपका रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द नॉर्मल जा रहा है एंगल आर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये सरफेस के अलोंग चला जाएगा ना, तो एंगल आर ऑब्वियसली 90 है। इस केस में आप अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोल देते हो। इन सिंपल वर्ड्स बेटा, क्रिटिकल एंगल जो है इट इज डिफाइंड एज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। और इस तरफ ये, ठीक है जी, अलोंग द सर्फेस। अब आइए स्नेल्स लॉ असल में लगा के देखें। अच्छा एक बात और देखिएगा, इसके लिए एक जरूरी कंडीशन है कि आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ा होना चाहिए, रेयरर में नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है देन इट विल नॉट हैपन, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द डेंसर मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज साइन आई बाई साइन आर आ गया। इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से उल्टा करके लिख सकता हूँ,
it will be 1 by refractive index of water with respect to air sin I by sin r, or it will be 1 by refractive index of water, it is sin of critical angle upon sin of 90. Sin 90 आपका कितना होता है 1. So 1 by mu is equal to sin c, और critical angle बन गया sin inverse 1 upon mu बेटा. और जो आपने पूछा था उसमें little bit addition करनी चाहूंगा मैं यहाँ पे. अगर आप अपनी incident ray को एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़े एंगल पे इंसिडेंट कर देते हो, आई मीन टू से दैट आपका इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. ऐसे केसेस में आपका जो इंसिडेंट रे है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होकर वापिस आ जाएगा, एंड वी विल कॉल दैट दिस इज अ केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस वाली बात यही है, आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द डेंसर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. हाँ, इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं कहते इसको, रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, और देखो कोई बात है आपकी करने वाली किसी भी स्टूडेंट की तो बताइए. ऑल द स्टूडेंट्स, ये किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है. भूमिका बेटा यू आर अनम्यूटेड. सर, स्नो में एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल नहीं, स्नेज लॉ में एंगल आई और आर के बराबर नहीं होंगे, बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर कभी भी नहीं होगा बेटा. अगर मीडियम आपका बदल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल नेवर बी इक्वल टू एंगल आर बेटे, राइट? यस भूमिका, नॉर्मल वाले केस में ये यहां पे तो है ही जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो वो भी जीरो ही है. बेटे इस केस में आपको जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जो है आप स्पीड की रेशियो ले लीजिए, आप एंगल को छोड़ दीजिए. आपको जरूर थोड़ी कि एंगल से ही करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी हैव सो मेनी टूल्स विद अस. आप स्पीड का रेशियो लिख लो, कोई और वेन लिख लो, आप आई और आर को छोड़ दीजिए वहां, आप जो मर्जी लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ, यहां लगाओ, जहां मर्जी लगाओ. नहीं, वो तो आप बात कर रहे हो ना कि अगर आपको म्यू निकालना है, अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, दैट विल बी एप्लीकेबल. मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर म्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं आप स्पीड का रेशियो ले लीजिए इस केस में, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं करिए. अगर आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ही म्यू निकालना है तो आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए किसी, यहाँ पे स्नेल्स लॉ बेटे जब आप लगाओगे ना आपको साइन जीरो जीरो दे देगा, आपको रिजल्ट में कुछ मिलेगा नहीं. इसीलिए मैं कह रहा था आप म्यू को स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प के साथ निकाल कर देख सकते हो, स्पेशली इस सिचुएशन में, राइट बेटे? एनी अदर बेटे पॉइंट यू वांट टू शेयर, डिस्कस, और डाउट हो किसी भी बच्चे का, कोई भी पुत्र, एनी पॉइंट? चलिए फिर एक काम करिए आप सारे स्टूडेंट्स बेटा, आपको एक लेंस कॉम्बिनेशन दिया गया है और आप फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालिए. ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, एक आपको कनकेव लेंस दिया गया है, इसकी पावर पी वन है, इसकी पावर पी टू है, इसकी फोकल लेंथ एफ वन है, इसकी फोकल लेंथ एफ टू है.
आप कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल दीजिए जल्दी से सारे बच्चे. व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, लिख के करना पड़ेगा. एफ वन एफ टू अपॉन नो, इट विल नॉट बी एफ वन एफ टू ओवर एफ वन प्लस एफ टू. नो, मैं इसीलिए कह रहा था लिख के करके देखिए. यू आर गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज, पावर आपके पास है, फोकल लेंथ आपके पास है, आपको कॉम्बिनेशन की पावर और फोकल लेंथ दोनों ही निकालने. डू इट फास्ट, आपने काफी बार किया है पहले भी. नहीं बन रही बात, माइनस बोलो ना फिर. आप प्लस कह रहे थे पहले. सो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है इट विल बी एफ वन एफ टू अपॉन एफ वन माइनस एफ टू होना चाहिए ना, प्लस नहीं होना चाहिए. एफ टू माइनस एफ वन होगा. मैंने नहीं कैलकुलेट किया, आप ही कर रहे हो. मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप चेक कर लो कि इट इज करेक्ट और नॉट. राइट, सो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे. थैंक यू ऑल बेटा, हैव ए नाइस डे अहेड बेटा.